नमस्कार, ग्रीडी के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सोनाली भारती। विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डिजिटल क्लासेस को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, केबल नेटवर्क के माध्यम से क्लासेस का दिया निर्देश। डीडीसी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 101 पर वीडियो क्लासेस के माध्यम से होगी पढ़ाई। लॉकडाउन को देखते हुए सीओडी कॉलेज मोड़ के पास चला वाहन चेकिंग अभियान। लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर एसटीओ ने दिखाई सख्ती। प्रवासी मजदूरों के मदद के लिए माले ने दिया धरना। पीएम फंड से 10,000 रुपए मजदूरों को देने का किया मांग। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने गरीबों के बीच बांटी खिचड़ी। वायरस से बचाव के लिए मास्क और साबुन का भी किया वितरण। अब खबरें विस्तार से। जिले में डिजिटल क्लासेस को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। कोविड-19 को देखते हुए बच्चों को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी। गिरिडीह का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन पर सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक वीडियो के जरिए बच्चों का सिलेबस कवर कराएंगे। मंगलवार को डिजिटल क्लासेस को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। उपायुक्त ने केबल नेटवर्क के जरिए क्लासेस 9th, 10th और 11th के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाकर सिलेबस कवर कराने का निर्देश दिया है। आप डीडीसी केबल नेटवर्क के गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज लाइन चैनल नंबर 101 पर इस ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। गिरिडीह जिले में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके अनुसार चुनिंदा सरकारी स्कूल तथा प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के द्वारा क्लास 9, 10, 11, 12 के विभिन्न सब्जेक्ट्स के विभिन्न चैप्टर्स की डे टू डे क्लासेस वीडियो के माध्यम से तैयार की जाएगी। और जिले में जितने भी प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो डीडीसी हो, सिटी केबल हो, न्यूज 18 हो इत्यादि, इनके माध्यम से प्रत्येक दिन सभी चैनल्स पर दिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि बीते एक महीने में या आगे आने वाले दिनों में स्कूली बच्चों के जो करिकुलम्स नष्ट हो जा रहे थे, जो पूरा नहीं कर पा रहे थे, अपने सिलेबस से वो पिछड़ जा रहे थे, तो पुराने क्लासेस, पुराने एक महीने के भी सारे क्लासेस और आगे के महीने के भी उनके क्लासेस की भरपाई कर दी जाए, ताकि उनका सिलेबस समय से नियमित रूप से कंप्लीट हो जाए। और इस आलोक में यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स ने अपने अपने टीचर्स को अपॉइंट किया है, और हम लोग की यही पूरी कोशिश है कि बच्चों का पठन पाठन नियमित रूप से चलता रहे और किसी भी तरह का उनका पठन पाठन में नुकसान न हो। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि जिला प्रशासन की यह अच्छी पहल है, इससे घर बैठे बच्चों का सिलेबस कवर हो जाएगा और उनके पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा। डिजिटल क्लासेस की समीक्षा के लिए उपायुक्त के कक्ष में संबंधित तमाम लोगों को बुलाकर एक बैठक कराई गई, जिसमें इसके परिचालन के तौर तरीकों को नियुक्त किया गया। यह तय किया गया कि इसके परिचालन में और तकनीकी डिटेल किया जाए और इसको गिरिडीह NIC के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए, जिससे कि उस लिंक पर क्लिक करके कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे इस ट्यूटोरियल क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। कुल मिलाकर आज एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फिक्स हो गया। इस SOP के तहत ये डिजिटल क्लासेस चलेंगे और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 15 जुलाई तक हमें बच्चों को इस वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने के प्रयास को जारी रखें। लॉकडाउन को देखते हुए कॉलेज मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए SDO प्रेरणा दीक्षित के दिशा निर्देश पर मंगलवार को सीओडी कॉलेज मोड़ के पास BDO गौतम भगत द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बेवजह सिर सपाटा करने वालों पर सख्ती दिखाई गई और उनसे उठक बैठक कराया गया। साथ ही घरों में सुरक्षित रहने का निर्देश भी दिया गया। बिना मास्क का कहीं नहीं।
मौके पर मौजूद बीडीओ ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को फिलहाल घर में रहने की बात का छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो कार्रवाई भी किया जाएगा। कोविड 19 के मद्देनज़र आज हम लोग यहाँ कॉलेज मोड़ गिरिडीह में उपस्थित हैं। यहाँ सभी लोगों को हम लोग ये समझा रहे हैं कि घर में आपको रहना है और बाहर नहीं निकलना है। जो भी लोग नियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उन्हें हम लोग कुछ ऐसी सजा दे रहे हैं जो कि उनको लगे कि आप इसका अनुपालन नहीं कर रहे, इस कारण से हम लोग उनको सजा दे रहे हैं। जैसे कि उठक बैठक कराना और किसी को मुर्गा बनाना और किसी को ये चेतावनी देते हुए छोड़ देना कि आप गलत कर रहे हैं, एक गाड़ी में 3 लोग लोड होके जा रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में आप घर से बाहर नहीं निकले, आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और किसके संपर्क में आ जाइएगा। गिरिडीह में राशन वितरण में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। कहते हैं आपदा किसी के लिए मुसीबत बनकर आती है तो किसी के लिए सुनहरा मौका साबित हो जाता है। यही हालात कोविड 19 ने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ कर दिया है। कोविड 19 के कारण गरीब और लाचार लोग मुसीबत झेल रहे हैं और इन तक मदद पहुंचाने वाला महकमा चांदी काट रहा है। गिरिडीह प्रखंड के पतरोडी और पराडी पंचायत के डीलर राशन वितरण में भारी गड़बड़ी कर रहे हैं। पराडी पंचायत के नेपाली घोड़ा के डीलर द्वारा बगैर निगरानी समिति के गठन किए हुए राशन का वितरण कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका गवाह पराडी के मुखिया खुद हैं। राशन मेरे पंचायत पत्रोडी में 6 राशन दुकान है, जिसमें से 5 राशन दुकान में हमने अपने नेतृत्व में राशन का वितरण करवाया। वहाँ पर समिति गठन किया गया और बतौर मुखिया उसमें अध्यक्ष है और मैं अपने निगरानी में वहाँ के वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका और जो प्रधानाध्यापक डिप्यूट किए गए हैं उनके नेतृत्व में सभी को राशन जितना सरकार को मिलना चाहे 10 किलो अनाज जो भी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं, और पिछले 2 महीना का जो राशन मिला है उसमें भी हम लोग अपने स्तर से, जबकि पिछले दिनों निगरानी समिति की गठन नहीं किया गया था उसके बावजूद भी हम लोग अपने देख रेख में सही तरह से राशन बंटवाने का काम किया। लेकिन मेरे पंचायत में एक प्रदीप डीलर है जो आपसे मनमाना हिसाब से अपना राशन डीलर चला रहे हैं, ग्रामीणों का सही है वहाँ पे जो है सो बहुत तरह का हमारे पास कंप्लेन आ रहा है। मैंने उसको चेताया भी, अभी वहाँ पे एक टीचर का बहाल किया गया है देख रेख के लिए, समिति गठन करने के लिए, लेकिन किसी तरह का कोई समिति अभी तक गठन नहीं किया गया है, ना ही किसी तरह का सूचना है। सिर्फ दुकान उस टाइम वो खोलता है जब किसी तरह का कोई वहाँ पे ग्राहक राशन कार्डधारी नहीं होता है, और उसके बाद जब वो अपना मनमाने ढंग से बंद करता है, जब मन करता है तो बंद करता है, जब मन करता है तो वो खोल देता है। कल ही लगभग 6-7 लाभुक मेरे यहाँ आया था, हमने उसको फ़ोन भी किया, फ़ोन लगा नहीं उसका और रिंग होता है तो उठाता भी नहीं। इधर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 के डीलर मोहम्मद शमसी द्वारा भी बगैर निगरानी समिति के गठन कर राशन वितरण किया जा रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी डीलर पर राशन वितरण में मनमानी का आरोप लगाया है। ये लोग बोला कि 2 महीने का राशन दे रहे हैं, और बोला उसके बाद बोला कि कार्ड में चढ़ा दिए हैं तो लाओ कार्ड देंगे, ऐसा बोला है। कितना कौन कौन महीने का चढ़ाया है? मई अर्जुन सबका कार्ड चेक कर सकते हैं, जितना कार्ड है ना यहाँ सब में कटा हुआ। बेगाबाद प्रखंड के ताराजोरी में वज्रपात से 4 जानवर की मौत हो गई। औरंगाबाद प्रखंड के ताराजोरी गांव में वज्रपात के चपेट में आने से 2 बैल और बकरी की मौत हो गई। सभी जानवर गांव के किसान रूपलाल सोरेन का था। मंगलवार की सुबह वज्रपात होने से गोहाल में मौजूद सभी 4 जानवर की मौत हो गई। जानवर की मौत होने से किसान को हजारों रुपए की हानि हुई। रूपलाल सोरेन का जो 2 बैल और 2 बकरी जो वज्रपात से मर गए हैं, इसे हम विभाग से प्रशासन से अनुरोध और मांग करते हैं कि इसका आपदा के तहत इसका मुआवजा मिले। बहुत गरीब और बहुत नचार आदमी है, इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी उचित मुआवजा इसको मिले। माले ने सोनवाद स्थित पार्टी कार्यालय में धरना दिया। माले ने प्रवासी मजदूरों को पीएम केयर फंड से 10,000 की सहायक राशि देने का मांग की। भाकपा माले ने सभी प्रवासी मजदूरों को पीएम केयर फंड से 10,000 की सहायता राशि देने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने इस मांग को लेकर सोनवाद स्थित पार्टी कार्यालय में धरना भी दिया।
धरना का नेतृत्व कर रहे माले नेता राजेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा तबाही मजदूरों को उठानी पड़ी है, इसलिए सरकार प्रवासी मजदूरों को सहायता स्वरूप 10,000 की राशि देने की घोषणा करे। आज भाकपा माले की ओर से देशव्यापी धरना दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जिसके तहत सबसे पहली मांग है कि प्रवासी मजदूर जो लाखों लाख मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें फ्री में अपने अपने राज्य अपने अपने घर भेजने की व्यवस्था की जाए, उनको पीएम केयर फंड से 10,000 रुपये का कोरोना भत्ता दिया जाए और गांव स्तर पर जो गरीब हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था फ्री की जाए। इसके अलावा जब प्रवासी मजदूर अभी लौट रहे हैं तो उनके सामने रोजगार का सवाल खड़ा हो जाएगा, उनको रोजगार के रूप में सेटल किए बगैर ये समस्या बनी रहेगी, इसलिए बड़े पैमाने पर मनरेगा जैसी योजनाओं को लॉन्च करने उनको धरातल पर उतारने की जरूरत है। इसलिए इन तीन सवालों को लेकर के आज हमारी पार्टी की ओर से ये धरना का कार्यक्रम दिया जा रहा है। जो प्रवासी मजदूर को निःशुल्क लाया जाए, चूंकि बहुत जगह पे टिकट का पैसा भी लिया जा रहा है, जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जान रहे होंगे, कई लोग छुपा भी रहे हैं इसको कई। फिर एक और है कि जो रोजगार का सवाल आ जाएगा बहुत बड़ा, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पुलिस मैन्स एसोसिएशन द्वारा पुलिस लाइन में गरीबों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया, इस दौरान उनके बीच मास्क और साबुन भी बांटा गया। लॉकडाउन को देखते हुए सरकार के अलावा विभिन्न संगठनों द्वारा भोजन कराए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा पुलिस लाइन में गरीबों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। इस बीच दर्जना अधिक महिला पुरुष व बच्चों ने खिचड़ी का आनंद उठाया। इस दौरान उनके बीच साबुन और मास्क का भी वितरण किया गया। मौके पर कुंदन लाल पाहन, वशिष्ठ नारायण यादव, संजय ठाकुर, नकुल राय, मनोज पंडित, उमेश रजक आदि लोग भोजन बांटने में जुटे थे। आज कोरोना के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस लाइन के इर्द गिर्द में गरीब असहाय लोगों के बीच पुलिस मेंस एसोसिएशन एवं पुलिस लाइन के अगल बगल पब्लिक में गणमान्य लोगों के द्वारा खिचड़ी का वितरण किया गया, साथ ही साथ साबुन एवं मास्क का भी वितरण किया गया तथा समय पर बार बार किया ही जाएगा जब तक कोरोना का कहर रहेगा, ये कार्य जारी रहेगा, पब्लिक के बीच गरीबों के बीच बांटा जाएगा। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन द्वारा जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया गया, उन्हें कोरोना वायरस से बचाव के लिए जानकारी भी दी। लॉकडाउन को देखते हुए गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने चिन्हित कर जरूरतमंदों के बीच चावल, आलू, दाल समेत सभी जरूरत के सामान बांटा। मौके पर जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, रवि राम, विनोद दास, रविन्द्र वर्मा, पप्पू वर्मा, सुरेश सिंह आदि लोग भी मौजूद थे। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन विगत एक महीने से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, जिले भर के कई प्रखंडों में जाकर अनाज का वितरण कर रहा है। उसी सिलसिले में आज हम लोग जोरासांख, जमुआ और सेनाधोनी के बीच हम लोगों ने अनाज का वितरण किया और ये हमारा यूनियन लगभग वैसे हर जगह पे पहुंचने का प्रयास किया है जहां पे गरीब गुरबा लोग हैं जिनको इस लॉकडाउन में आर्थिक सहायता के तौर पर या अनाज के सहायता के तौर पर मदद की आवश्यकता थी, वैसे लोगों के बीच हम लोग लगातार अनाज का वितरण कर रहे हैं। इनके तरफ से बेसहारा और के बीच में सेनाधोनी जोरासांख में अनाज वितरण किया जा रहा है, ये हम लोग साउंड यूनियन के तरफ से किया जा रहा है। गिरिडीह साउंड यूनियन सहायता, हम लोग जितना भी गरीबों को जितना ज़रूरत है कुछ न कुछ हम लोग हर आदमी को आटा, दाल, आलू, तेल, साबुन हर जगह पर हम लोग बांट रहे हैं। लॉकडाउन को देखते हुए इंडिया ट्रस्ट कैंपस ग्रुप ऑफ ट्रस्ट माले द्वारा भोजन करवाया गया, इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। वैश्विक महामारी को लेकर घोषित लॉकडाउन को देखते हुए इंडिया ट्रस्ट कैंपस ग्रुप ऑफ ट्रस्ट माले द्वारा भोजन करवाया गया। ट्रस्ट माले द्वारा पचम्बा, जगपतारी आदि गांवों में जाकर गरीबों तक भोजन पहुंचाया गया। इस बीच सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। इस दौरान ट्रस्ट के राजेश सिन्हा, आकाश कुमार, शहाबुद्दीन अंसारी आदि लोग मौजूद थे। यह था हमारा आज का अंक, फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।